थैंक यू सो मच, थैंक यू कुलदीप जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था, मुझे वहाँ हाथ तो दिखा था, अब उनका हाथ नीचे हो गया है। रक्षिता पहले उसका हाथ था तो उसको दे दूँ मैं पहले। पीका पीका का भी आएगा, वो मेरे को पीका पीका कहती, कॉलेज टाइम से मेरी जूनियर है नेहा, तो आप ये उससे पूछ सकते हैं कि मेरे को क्यों पिकाचू बोलती थी। मैं आज तक मिमिक्री भी ढंग से नहीं कर पाया हूँ पिकाचू की, मैं बल्बा सर की बढ़िया करता हूँ। बल्बा बल्बा सर। तो हाँ, आपका नाम प्लीज? प्रियांशी। प्रियांशी, आपका क्वेश्चन? कपकेक सॉन्ग की रिक्वेस्ट है। कपकेक सॉन्ग की, ठीक है। तो कपकेक सॉन्ग जिसके लिए लिखा, उर्मी ने उसका क्वेश्चन पूछा कि क्यों लिखा। अब कपकेक सॉन्ग भी आप सबको सुना देते हैं। कपकेक सॉन्ग किसी को सुनना है? अरे वाह यार, ये होती है 100% अटेंडेंस। तो ऐसा है कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू। अच्छा, उससे पहले आप सबको मेरे साथ कपकेक की एक लाइन तो साथ में गानी है। पूरा सॉन्ग कौन कौन गा सकता है? पूरे सॉन्ग गाने वाले मुझे लगता है 100% अटेंडेंस नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ काफी लोग हैं अभी भी। क्या बात है, वहां मीनल, कृतिका, श्रीकांत, रोहन भी है। रोहन मेरा छोटा भाई है। ओए रोहन, तू भी आ गया, थैंक यू यार। तो रोहन मेरा रियल छोटा भाई है। तो एक बार रोहन के एक बार जोरदार तालियां। और रोहन बहुत ही अमेजिंग सिंगर भी है, मतलब बहुत ही अमेजिंग सिंगर। तो हम रोहन से भी गाना सुनेंगे अगर रोहन गाना चाहेगा तो। और नाना जी से भी सुनना है गाना। नाना जी से तो सुनना ही है ना। yeah. नाना जी आपको तो गाना गाना ही पड़ेगा। तो अभी कैसा कि जिस जिसको साथ में गाना आता है वो गाना पूरा गाए, जिस जिसको एक लाइन आते है वो एक लाइन तो पक्का गाए, जो कि है कहती जिंदगी में आया कैसा क्रैक है, कह ले कुछ भी तू मेरा कपकेक है, कह ले कुछ भी। जब तक सब साथ में ये एक लाइन नहीं गा देंगे, इंक्लूडिंग पारस ब्रो, तब तक मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मैं बोलूंगा कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, आप सबको गाना है कह ले कुछ भी तू मेरा कपकेक है। कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, वापस से 100% अटेंडेंस नहीं हुए, मेरी निगाहें चारों तरफ है, मेरी निगाहें मतलब। तो कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तू मेरा कपकेक है। ओके नाइस। तो कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब तू, मखमली सी रेशमी सी आवाज तू, जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे मैं तेरे पास में गुलाब हो। कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कह ले कुछ भी तू मेरा कपकेक है, कि तेरी धड़कनों की धुन में मैं भी साज दूं, हल्का हल्का मेरा मेरा एहसास तू। दोस्ती सब पे भारी नंबर एक है, मेरा प्यारा तुलारा कपकेक है। थैंक यू, थैंक यू। अरे वाह, सी रेश
छूने से आवाज तुम। थैंक यू भीमा वैलेंटाइन। मैं आप ले गाऊंगा ब्रो, पर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में पक्का से। तो रिटर्न ऑफ इडियट, रिटर्न ऑफ अकेले आ गए हैं, तो वो भी मैं आप सब ले गाऊंगा जरूर से। चौधरी भी गाऊंगा, पक्का गाऊंगा। वो तो मेरे जो मतलब कॉलेज के दोस्त हैं, तो मतलब मेरे कूट भी सकते हैं, नहीं गाऊंगा तो उनको तो पूरा हक है। तो पिटाई से भाई वचन आया, तो पक्का आप ले गाऊंगा दोस्त। फिर मुझे दिल से, हाँ फिर मुझे दिल से बोलते हो तो मैं गाया हो भी, मैं आप ले वापस से भी गा दूंगा ट्रैक के साथ में, बाद में, थोड़ी देर बाद में। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रक्षिता का। रक्षिता, तो रक्षिता फेमसली नोन एज आरजे रक्षिता, हमारे सिटी की, अजमेर सिटी की बहुत ही अमेजिंग और बहुत फेमस आरजे है। तो रक्षिता के एक बार प्लीज जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड जेस्चर। लेकिन आई हैव नथिंग टू आस्क यू, आई हैव समथिंग टू शो यू प्लीज। लाइक यू हैव कम्प्लीटेड योर 1 million फॉलोअर्स टूडे। नहीं, 1 lakh ऑन यूट्यूब। 1 lakh ऑन यूट्यूब। अभी अभी मैंने कुछ लिखा है तुम्हारे लिए, सुनना चाहते हो? प्लीज। ऑलराइट। वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट यू इज, पता है क्या होता है, हम लोग बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत एक लेवल के पहुंच जाते हैं। लाइक मैं आरजे बन चुकी हूँ, मोहित इज लाइक वेल नोन सिंगर। हम भूल जाते हैं हमारी जमीन को। एंड आई वॉज लिटरली वेरी हैप्पी टूडे जब तुम अपने दादाजी को लेकर आए, नाना जी को लेकर आए थे। लोग भूल जाते हैं, लिटरली भूल जाते हैं, अपने मम्मा पापा को कहते हैं मम्मा प्लीज अच्छे से ड्रेस पहनो ना, मेरे साथ चलियो, पापा प्लीज आपके ग्रे हेयर्स आ रहे हैं। बट वो चीज कि आप जैसे भी हो, मेरे हो और मैं जो भी हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो, प्रूव कर दिए ब्रो। तालियां हो जाए इंसान की। ऑलराइट, सो आई हैव समथिंग फॉर यू। इट्स लाइक है खास ये दिन तुम्हारा, तो सुनो जरा क्या बोलता है दिल हमारा। इसने लिखा है, शायद कुछ गलत हो सकता है, कि रख सको सदा खुश अपने और अपने के दिलों को तुम, कि रख सको सदा खुश अपने और अपनों के दिलों को तुम, ऐसी ताकत दे तुम्हें ये खुदा हमारा। मंजिलें तो क्या, हर मंजिल को पाने के रास्ते भी हो तुम्हारे, कि मंजिलें तो क्या, हर मंजिल को पाने के रास्ते हो तुम्हारे, और सको बादलों में ऐसे मजबूत पंख हो तुम्हारे। हो हर ख्वाहिश पूरी, हो हर एक ख्वाहिश पूरी, रह जाए सदा के लिए गम की हर बारिश अधूरी, पाने का जुनून हो तो हो देने की सादगी भी हो तुम्हारी। रहे कुछ अगर अब भी बाकी तो बस मुस्कुरा देना, कि रहे कुछ अगर अब भी बाकी तो मुस्कुरा देना, कर लेंगे दुआ बस उसकी भी पूरी। पर गुरूर ना करना कभी, कि पर गुरूर ना करना कभी, छोड़ना ना साथ अपनों का तुम कभी, वरना चाहकर भी ना होगी पूरी ये दुआ हमारी, क्योंकि बसेरा तुम्हारा उन्हीं के दिलों में है कहीं, क्योंकि बसेरा तुम्हारा उन्हीं के दिलों में है कहीं। सो दिस इज ऑल आई हैव रिटन फॉर यू। And like I have nothing. मेरा कनेक्शन क्या था, I was like, मैं बताती हूँ, मैं 14-15 साल की बच्ची हुआ करती थी तब, एंड आई वॉज लाइक मम्मा अपने जयपुर का वो बंदा है, एंड मम्मा वॉज लाइक प्लीज इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, वो टीवी पे और तुम यहाँ हो, वो जानता भी नहीं है तुम्हें। मैंने बोला आज नहीं कल जान जाएगा, गारंटी है, इतना तो कनेक्शन बना लेंगे अपन। एंड शी वॉज लाइक ठीक है देख लेंगे, वोट करो। एंड आई वॉज लाइक डाई हार्ट फैन ऑफ हिज वॉइस। इतना पतला दुबला सा लड़का जिसमें ना कोई गुरूर हो, ना उसे पता हो कि उसे क्या बोलना है चार लोगों के सामने जाकर, लेकिन आज भी आप खड़े हो जा रहे हो तो यू हैव नथिंग टू से, लाइक यार क्या कहूँ, गाने आया था, बोलना पड़ रहा है, ये हो गया। तो ब्रो हमेशा वही रहना जो तुम हो, क्योंकि जिस दिन इंसान में गुरूर आ जाता है ना, सब हाथ से निकल जाता है। एंड यू आर द वन जिसे मैं सीख सकती हूँ कि बी योर सेल्फ, बिकॉज आप जैसे हो, आपकी पर्सनालिटी जैसी है, लोग आपको उसी वजह से चाहते हैं। एंड क्या सच है कि इनकी पर्सनालिटी ऐसी है तो
क्यूटनेस ही कैरीज विद हिमसेल्फ इज द ओनली रीजन बिहाइंड दीज ऑल फैंस राइट. Thank you so much. Boys, it's all about your super mom. Super woman. Thank you so much. That's all I have to say. Emotional. Emotional. Thank you. Thank you so much, Rakshita. How about your mom, Mohit? Let's go. Yeah. All right. अच्छा यार एक बात कहूँ, ये ट्रू स्टोरी है एक सुपरस्टार. ये मैं आपको इसकी स्टोरी के साथ में सुनाना चाहता हूँ थोड़ी देर में, तो है ना. थैंक यू ब्रो. तो एक बात बताना चाहता हूँ कि हर किसी के सपने होते हैं ना लाइफ में. मेरा जो सपना था ना जब मैंने देखना शुरू किया था, वो सिर्फ इतना था कि मैं गाने बनाता हूँ. 10th 11th क्लास से मैं गाने बनाता हूँ. कितने साल हो गए, 10-12 साल हो गए उस बात को. तो जब मैंने पहली बार, वैसे सपने खूब देखे हैं सच बता रहा हूँ. जब छोटा था ना, सबसे छोटा, तब पहले बोलता था मम्मी को मैं पायलट बनूंगा. मेरी हिंदी की टीचर थी सरिता मैम, उन्होंने कहा सरिता मैम मैं आपको प्लेन में बिठा के ले जाऊंगा, सिर्फ आप और मैं बैठोगे प्लेन में. मुझे ये नहीं पता था कि क्या तो उड़ाते हैं, क्या होता है, उसमें पैसेंजर होते हैं, बस ये होता है पायलट बनना है. फिर बाद में बोलता हूँ मेरे को डॉक्टर बनना है. फिर बोलता हूँ कि मेरे को इंजीनियर बनना है. फिर नाइन्थ तक आते आते एस्ट्रोनॉट बनना है. मेरे को सितारे देखना ना बहुत पसंद है. आज भी जब मैं सब फ्री होता हूँ ना, तब मैं ऊपर छत पे जाता हूँ, सितारे देखता हूँ. यहाँ तो अभी बहुत कम दिख रहे हैं, तो मेरे को सितारे देखना बड़ा पसंद है. तो तब मैं सोच रहा हूँ मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊंगा और भाई साहब स्पेस में उड़ूंगा और एलियन से मिलूंगा.